हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हो सकती हैं इनमें से, ये आपको बताना है। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो भी आपको पहचानने हैं, मतलब 90 डिग्री के कौन से कोण हैं वो भी आपको बताने हैं। ठीक है, सिंपल है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि वे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको पता है तब तो आप इजीली कर लेंगे इनको। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं इसके आधार पे। चलिए देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया लगा आपको? देखिए, यहाँ पे तीन साइड्स आप देख पा रहे हैं, है ना? तीन साइड्स आप देख पा रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो तो समकोण के ऑपोजिट होगी, सामने वाली होगी, है ना? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है, इसलिए वो राइट एंगल के सामने वाली होगी। ये 2.5 हो सकती है एंड ये 6 हो सकती है। अगर ये एक राइट ट्रायंगल की साइड हुई तो, अब हम जस्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए बच्चों? जो हाइपोटेन्यूज है ना, जो कर्ण है, क्या बोला था मैंने, कर्ण जो होता है उसका वर्ग किसके बराबर होता है? बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। यानी एक को आधार मान लेते हैं, एक आधार हो गया इसका वर्ग और एक हो गया ऊंचाई, है ना, या फिर लंब इसको हम बोल सकते हैं, इसका वर्ग। ठीक है, तो ये तो कर्ण है पता है, बाकी ये आधार और ये इसकी ऊंचाई होगी, लंब हो गया, तो इसका वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, है ना? यानी एसी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो पक्ष है हमारे पास, है ना? एक पक्ष तो है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब ए सी कितना होना चाहिए? 6.5 और इसका वर्ग, है ना? देखते हैं कितना आता है। और जो दूसरा पक्ष है राइट हैंड साइड, ठीक है, वो कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई इनके वर्ग कैसे करेंगे, है ना, ये दिक्कत आती है। तो चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। ये ट्रिक है कि किसी भी चीज का वर्ग, किसी भी नंबर का वर्ग कैसे करेंगे जिसके अंत में 5 आता हो, दो डिजिट की संख्या है। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता हो, मतलब जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, उसको कैसे आप स्क्वायर करेंगे? ध्यान से देखिए, अब ये 5 है, ठीक है, इसके इकाई के स्थान पे कितना है? 5। ऐसे ही होता है ना, वंस प्लेस और टेंस,
तो वंस पे 5 होना चाहिए, टेंस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका वर्ग करने के लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25, और वो लिख लीजिए। ठीक है, 5 का वर्ग करके 25 आ गया, वो लिख लिया मैंने। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें जो टेंस के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है अंक, उसको लेंगे। दहाई के स्थान पे क्या है, 6 है, ठीक है, 6 लेंगे और इसको गुणा कर देंगे इसमें एक जोड़ के, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 में एक जोड़ के और 6 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 6 42, 42 आ गया, इसको यहां लिख देंगे, ये आंसर हो गया इसका, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां पे क्या किया मैंने, 6 × 7 42 आ गया। अब अगर दशमलव है, डेसिमल है ना, 6.5 है, तो डेसिमल की जगह क्या होता है, डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है, ये तो पता है ना कि भाई डेसिमल, दशमलव हटा के मैं नीचे, अगर दशमलव के राइट में एक अंक है तो मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ, दो अंक है तो 100, तीन अंक है तो 1000, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो 65 है, इसका वर्ग कितना आया, 4225, 10 का वर्ग कितना होगा, 10 × 10 100, ठीक है। तो वापस से अब इसको मैं दशमलव संख्या में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6.5 है तो ये 422.4225 है, तो इसको वापस से दशमलव संख्या में बदलूंगा, 2 0 है यहाँ पे तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक और सिंपल तरीका है। अब एक काम करिए, इसी तरीके को आप भूल ना जाएं, इसीलिए कोई और नंबर लेके देखिए और उसको, जैसे 25 है ना, 25 का वर्ग करके देखिए कितना आता है, फटाफट 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए आपका। कैसे, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 2 × 3 6, 625। कोई और नंबर ले लीजिए, 35, 35 ले लीजिए, इसका वर्ग कितना होना चाहिए, 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और 3 × 4, 4 × 3 = 12, 1225 आ गया ना। तो इस तरह से कोई और नंबर ले लीजिए आप, 45 ले लीजिए, है ना, 55 ले लीजिए, इनके वर्ग करके देखिए, चेक करके देखिए एक बार कि क्या आप कर पाते हैं। 2 अंकों की संख्या कोई भी लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए। तो ये एक ट्रिक है जो आपका समय बचा सकती है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 65 को 65 से गुणा करते आप, है ना, उसमें ज्यादा समय लगता। तो ये ट्रिक है, ये सीखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको और एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इन नंबर्स को, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे वापस। तो बच्चों, आई होप आप सबने ये जरूर सीख लिया होगा, है ना। तो ये ट्रिक है, काफी काम आएगी आपके। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 6.5, क्या आ गया, 4225, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए बी कितना है, 6, तो 6 का वर्ग प्लस 2.5 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये 36, प्लस 2.5, तो 6.25 आया इसका। तो 36 + 6.25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 42.25, है ना। तो ये बच्चों क्या आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बराबर होने चाहिए, मैंने यहाँ पे बराबर लिखा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बिकॉज, क्योंकि, यही कर देता हूं मैं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, हाँ, देयरफॉर देयरफॉर दीज
आर साइड्स ऑफ, दीज आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आते तो आप बोल सकते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल की साइड नहीं है, है ना। तो बराबर आएंगे तभी आप लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, क्या कि हमें बताना है कि भाई इन द केस आइडेंटिफाई राइट एंगल्स, राइट एंगल कौन सा होगा। तो राइट एंगल होगा अपोजिट टू 6.5 सेंटीमीटर, जो ये साइड दिख रही है 6.5, इसके जो सामने कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण के सामने, ठीक है। तो ये होगा ऑपोजिट टू 6.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन तो कर लिया होगा। अब देखिए बाकी के जो ये दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, सेम तरीके से इनको आप कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अगला सवाल करेंगे अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये पूरा एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ रहा होगा, यहां से ये पूरा एक पेड़ रहा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, तो यहां से यहां तक की, नीचे से ऊपर तक की ये जो ऊंचाई है, यहां से यहां तक की ये 5 मीटर है, 5 मीटर ये ऊंचाई है पेड़ की। यहां से ये टूट जाता है और टूट के इधर गिर जाता है, ठीक है, इधर गिर जाता है और जमीन को ये छूने लगता है, समझ गए। कहां पे छूता है? उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 12 मीटर की दूरी पर मतलब ये जो दूरी है ये 12 मीटर है, इसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर ये जमीन को छूता है। तो आपको क्या बताना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो पूरी ऊंचाई है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या रही होगी? यहां से तो वो टूटा है और इतना लंबा और रहा होगा जितना ये इसका हाइपोटेन्यूज है ना। यही तो टूट के ऐसे गिरा है। इमेजिन कीजिए बच्चों, सोचिए, दिमाग में इसकी इमेज बनाने की कोशिश कीजिए, पेड़ टूट के कैसे गिरता है, देखा होगा आपने। तो पेड़ की पूरी लंबाई क्या होगी? ये तो इतनी जहां से टूटा है वहां तक कुछ लंबाई होगी, फिर जो गिरा है उसकी लंबाई हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगी, है ना। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हल करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, ये चीजें तो पता लग गई है ना। अब मान लेते हैं पेड़ की ये पूरी हाइट रही होगी, हमें अभी नहीं पता कितनी है, और ये इसके पॉइंट्स रहे होंगे, ठीक है।
पेड क्या करता है, पॉइंट सी से टूट जाता है और ये जो इसकी टॉप ए है ये ग्राउंड को यहाँ पे छूती है, टच करती है, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं लेट लेट द ट्री ए बी, ठीक है, ब्रोकन एट पॉइंट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे ब्रोकन होता है एंड पॉइंट ए टच द ग्राउंड, ठीक है, पॉइंट ए ग्राउंड को टच करता है। अब देखिए, नाउ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड राइट एंगल एट एट पी, भाई एक समकोण त्रिभुज बन गया अब, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में पेड़ टूटा है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जो बी पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का या फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करिए, क्या है, AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC चाहिए हमें, है ना, तो AB कितना है आपका, AB है 12, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, और यहाँ पे AC का वर्ग आ जाएगा 169, तो AC कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो AC मुझे पता लग गया 13 सेंटीमीटर है ना। अब बताइए, देयरफॉर जो पेड़ की हाइट होगी, है ना, यही पूछिए, देयरफॉर द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज कितनी होगी, 13 तो ये, 5 जो ये था, और 13 जो टूट के नीचे गिरा है, टोटल 18 सेंटीमीटर पेड़ की ओरिजिनल हाइट होगी। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी के आधार पे, ताकि आपकी प्रॉपर्टी ये अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।